उस किसान और जवान की आशा और उम्मीद के रूप में, संपूर्ण राजस्थान के एक नए किरण के रूप में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब, जोरदार ताली, जोरदार ताली। आज इस कार्यक्रम में रूपाराम डूडी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। मैं आप सभी लोगों को जो इस सभा में आज मौजूद हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं डूडी साहब के परिवार को, जिन्होंने आज हम सभी लोगों को आमंत्रित किया। सभी लोग जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आज का दिन इस गांव के लिए, डीडवाना के लिए, नागौर के लिए, किसान वर्ग के लिए, आप सब लोगों के लिए एक यादगार दिन है। इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहां पर आए, इस कार्यक्रम में शिरकत करी, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सब लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। आज रूपराम जी के बारे में मंच पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, उनकी जीवनी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, आज दोबारा उस पर प्रकाश डाला गया। कौन व्यक्ति कितने समय के लिए सत्ता में रहे, सांसद रहे, सरपंच रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिन लोगों की नुमाइंदगी आप करते हो, जिन लोगों का नेतृत्व आप करते हो, उन लोगों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। विधायक बहुत रहे राजस्थान में और भी बनेंगे, लेकिन वो लोग जो अपनों के लिए हर संभव सहायता करने को तैयार रहे, अच्छे समय में सब आ जाते हैं, लेकिन बुरे समय में जो अपनों का दामन ना छोड़े, उस नेतृत्व को, उस नेता को लोग सदियों तक याद करते हैं। और आज इस मूर्ति के लगने से आने वाली कई पीढ़ियां रूपाराम जी के व्यक्तित्व को याद रखेंगी। चेतन जी ने, इनके परिवार ने, सभी कांग्रेसियों ने मिलकर आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी माताओं बहनों का, किसान भाइयों का, जो दूर दराज के इलाके से, आज इतनी भीषण गर्मी है लेकिन फिर भी आप आज यहां पधारे। आज रूपाराम जी ने जो काम किए उसके बारे में विवरण कई लोगों ने किया। मैं कई बार उनसे मिलता था जब मैं केंद्र में मंत्री था। विधायक रहे हो या ना रहे हो, लेकिन जनता से, मतदाताओं से, समाज से, किसानों से हमेशा उनका एक जीवन संपर्क बना रहता था। मैं चेतन जी, आपको, आपके परिवार को और इस मंच पे आज जो तमाम लोग यहां पर आए हैं, ये सब लोग रूपाराम जी के मित्र रहे, सहयोगी रहे, राजनीतिक मित्र रहे, दोस्त रहे, और हम सब मिलकर सामूहिक रूप से इस क्षेत्र को, इस जिले को और किसान वर्ग को आगे ले जाने के लिए काम करने का संकल्प इस मंच से लेकर जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चेतन जी, आपको, आपके साथियों को, पूरे परिवार को और आप सब लोगों को जो इतनी देर से, इतनी गर्मी में यहां बैठे हैं। विशेष रूप से मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, आप सब लोगों से मिलने का, आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का आज मुझे मौका मिला, और जो मूर्ति यहां पर आज अनावरण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम दोबारा मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप तरक्की के रास्ते पर जाओ, आपके बच्चों को भगवान हमेशा खुश रखे, आप परिवार सहित प्यार मोहब्बत भाईचारे से क्षेत्र में आगे खुशहाली की तरफ बढ़ो, और आप सब लोगों का स्नेह हमें मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।